हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा वीडियो डी ड्रीम में केवाईसी कैसे करें इसके बारे में है। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ उर्वशी गनुरकर, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ डी ड्रीम में केवाईसी कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करती हूँ कि आपने डी ड्रीम ज्वाइन किया। ये कंपनी हमें सुवर्ण मौका देती है कि हम कम टाइम में अच्छा इनकम कैसे करें। तो अब आप भी शुरू करते हैं। आपके मोबाइल में आपको गूगल क्रोम या गूगल ओपन करना है। वहाँ आपको डी ड्रीम लॉगिन सर्च करना है। आपको आपकी स्क्रीन पे मेंबर साइन इन ये ऑप्शन दिखेगा। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेलकम टू डी ड्रीम ट्रेड नाम का वेब पेज खुल जाएगा। मेंबर आईडी में आपको आपका आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका पासवर्ड डालना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं डालना है। साइन इन, इसके बाद आपको साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है सेव पासवर्ड, तो आपको सेव पासवर्ड पे जाके सेव ऑप्शन क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आपको जो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है या फिर तीन आड़ी लाइन जो दिखाई दे रही है, उस पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। देख पा रहे हो आप कितने सारे ऑप्शंस हैं? जैसे कि आप सबको पता है हमको केवाईसी करना है, इसलिए हम केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ऊपर से तीसरा ऑप्शन आता है कि केवाईसी डिटेल्स नॉट अप्लाइड है, ये बाद में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन दिखेगा। सबसे पहले पैन कार्ड में आपको आपका 10 डिजिट नंबर एंटर करना है। ये अपना पैन कार्ड नंबर है और पैन कार्ड में आपको आपका 10 डिजिट नंबर दिखाई देता है। उसके ऊपर लिखा है परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ये आपका जो नंबर है पैन कार्ड नंबर, वो आपको पैन कार्ड इसमें डालना है। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आधार कार्ड नंबर। हमारा आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है, जो हमें आपके आधार कार्ड पे दिया हुआ रहता है। वो आपको 12 डिजिट नंबर वहाँ पे एंटर करना है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक इंफॉर्मेशन। बैंक इंफॉर्मेशन में पासबुक में जो नाम दिया है, वही नाम आपको अकाउंट होल्डर नेम में डालना है। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर जो आपके पासबुक में दिया है, उसे यहाँ पे डालना है। आपका अकाउंट टाइप भी आपको डालना पड़ता है, जो आपको अकाउंट टाइप यहाँ पे दिया रहेगा। अकाउंट टाइप एक तो आपका सेविंग रहेगा या फिर करंट रहेगा। उसके बाद आईएफएससी कोड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके पासबुक में दिया रहेगा। हर बैंक का आईएफएससी कोड अलग-अलग रहता है।
अभी हम बैंक इंफॉर्मेशन में बाकी सभी डिटेल्स फिल करेंगे। पहले हम डालेंगे अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद हम डालेंगे अकाउंट नंबर जो आपके बैंक पासबुक में दिया रहेगा, उसके बाद आपका अकाउंट टाइप, एक तो सेविंग रहेगा या फिर करंट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेविंग ऑप्शन आएगा, आईएफएससी कोड, जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालते हैं बैंक नेम और बैंक ब्रांच आ जाएगा, उसे बस आपको वेरीफाई करना है आपके पासबुक से कि वो करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बारी आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। सिंपल आपको पैन कार्ड इमेज पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप यूअर फाइल्स पे या जहाँ पे लिखा है उसके बाद ब्राउज का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पैन कार्ड का फोटो क्लिक करना है। हमने अभी उसके बाद आपको राइट टिक पे क्लिक करना है। हमारा डॉक्यूमेंट पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद बारी आती है आधार कार्ड। आधार कार्ड में सेम आपको प्रोसेस करना है, ब्राउज पे जाना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको कैमरा ऑप्शन क्लिक करना है। कैमरा ऑप्शन से हम फोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो जैसे ही हमारी क्लिक हो जाएगी वैसे ही हम राइट टिक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हमारा आधार कार्ड का फ़ोटो आ जाएगा। आधार कार्ड का आपको फ्रंट एंड बैक इमेज लेना पड़ता है। अभी हमने फ्रंट इमेज लिया है, इसके बाद हम बैक इमेज का फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। फ़ोटो हमने बैक इमेज का क्लिक किया, उसके बाद सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। राइट क्लिक पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक का या फिर आपके पासबुक का फोटो आपको डालना है, पासबुक का फ्रंट साइड का फोटो। अगर आपके पास पासबुक का फ्रंट साइड का फोटो आपको डालना है तो आप वो डाल सकते हो, या फिर आपको आपका कैंसिल चेक रेडी करना है। कैंसिल चेक कैसे रेडी करना है इसका मैं आपको एक बार ये दे देती हूँ एग्जांपल। अगर आपका कैंसिल चेक अपलोड कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका नाम रहना ज़रूरी है और उसके ऊपर कैंसल लिखना भी ज़रूरी है। एंड आप देख पा रहे हैं कि हमने कैसे कैंसिल लिखा है और दो लाइन खींची है, सेम वे से आपको करना है। यह हमने कैंसिल चेक अपलोड कर लिया। एक बार आपको वेरीफाई करना है कि सारे फोटो और सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपरली भरी हुई है। लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये होने के बाद आपको आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली या केवाईसी सेव सक्सेसफुली। ओके करेंगे और केवाईसी डिटेल स्टेटस जो हमने पहले नॉट अप्लाइड दिख रहा था वो अभी पेंडिंग हो जाएगा। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट हो चुके हैं। आप आपका केवाईसी स्टेटस एक दो दिन के बाद चेक कर सकते हैं। ये आपको अप्रूव दिखाई देगी अगर आपका ये प्रोसेस प्रॉपर फॉलो की है तो। ये प्रोसेस करने के बाद अगर आपका केवाईसी अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो आप अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको केवाईसी करने में कोई भी तकलीफ ना जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।